मूवी स्ट्राइक प्रस्तुत कर रहा है मेमोर्स ऑफ अ गीशा, डायरेक्टर है रॉब मार्शल और आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। साल 1929, समंदर किनारे एक कुटिया में गरीब परिवार रहता है जिसकी दो बेटियां हैं, बड़ी 700 और छोटी 600। मजबूर बाप ने बीमार पत्नी के लिए अपनी दोनों जागीरें बेच दी, जिन्हें ट्रेन से कोयोटो शहर लाया गया। हाना माची की तंग कलियों से होकर गुजरता हुआ उनका हाथ गाड़ी एक कोठी के दरवाजे पर आकर रुका। दरवाजा खुलते ही एक अप्सरा जैसी खूबसूरत औरत पूरे सच धज कर निकली और सामने खड़ी है ताईसान, जो यहाँ की देखभाल करती है। खुले समंदर की जैसी नीली आंखों वाली छियो को ही अंदर आने दिया गया और सातसू को लौटा दिया। दोनों बहनें बिछड़ गए। कायो को नीता यहाँ की मालकिन है, जिसे सब उकाया सान कहकर बुलाते हैं। छियो को कमरे में लाया गया। उकाया सान तंबाकू सुलगा रही है। उसने रोशनी में एक बार छियो का चेहरा देखा, उसकी आंखें देखी और हाँ कर दी। वहाँ उसी की हम उम्र योकी भी रहती है। रोती चिल्लाती हुई छियो को उसने चुप कराते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह इस घर को बेचा गया है, मैं भी रोती थी, पर अगर तुम उकायासान की सारी बातें मानोगी तो तुम्हें स्कूल भेजा जाएगा गीशा बनने के लिए। ये देखो, तब तुम भी हात्सु मोमो की तरह बन सकती हो। छियो को नहीं पता गीशा क्या होता है, वो सोचने लगी। गीशा ऊंचे महफिलों में नाच गाना कर मर्दों का मनोरंजन करने वाली को कहा जाता है। छियो चुपचाप घर के छोटे मोटे काम करने लगी और यहाँ से भागने के मौके की फिराक में रहती, ताकि अपनी बड़ी बहन सासू को ढूंढकर घर वापस जा सके। लेकिन ये शहर इतना बड़ा है, जिसका कोई और छोड़ नहीं, कैसे ढूंढेगी वो उसे। छियो छुप छुप कर हात्सु मोमो को देखा करती है। वो एक गीशा है, अड़ियल मुँहफट, बहुत ही गुस्सा भरा है उसके अंदर, पर उसी के दम पर ये कोठी चल रही है, इसीलिए बड़े छोटे सबको उसकी बात सुननी पड़ती है। पर पता नहीं क्यों पहले ही दिन से उसे छियो नहीं पसंद, शायद इसीलिए क्योंकि छियो में उसे एक काबिल गीशा बनने की काबिलियत दिखती है। एक दिन उकायासान ने छियो को भी गीशा बनाने का फैसला लिया। छियो की आंखों में चमक आ गई, इसी पल का तो उसे इंतजार था। स्कूल जाने के रास्ते वो योकी से बोली, मैं भाग रही हूँ, मुझे सासू को ढूंढना है। योकी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, इस तरह तुम मेरा आना जाना बंद करवा दोगी। दोनों स्कूल पहुंचे। कमरे हर उम्र की लड़कियों से भरे हैं, कहीं गाना बजाना हो रहा है, कहीं नाचना। छियो भी उनका देखा देखी नकल करने लगी। एक दिन हात्सुमोमो ने छियो से कहा, तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। छियो ने हाथ जोड़कर विनती की कि उसे सासू का पता बता दे। वो बोली, हाँ जरूर बता दूंगी, लेकिन उसके पहले तुम वैसा ही करोगी जैसा जैसा मैं कहूंगी। अब यहाँ महफिल से लौटी हात्सु मोमो बहुत नशे में है और किसी ममेहा की बात कर रही है, जो उसे बराबरी की टक्कर देती है। उसके बहुत ग्राहक है। उससे बदला लेने के लिए उसने उसकी रेशम की किमोनो चुराई, उस पे छियो के हाथों से कालिक मली और फिर अपना वादा याद दिलाते हुए कहा, छियो उसे चुपचाप ममेहा के दरवाजे पर छोड़ाओ। किमोनो हाथ में लेकर खड़ी मासूम छियो रंगे हाथों पकड़ी गई। अगले दिन उसे उकाया सान से बहुत मार पड़ी, जितने मोहरों में तुम्हें खरीदा गया है ये किमोनो से कहीं ज़्यादा महंगे थे। छियो चुपचाप मार सहती रही। जब हात्सु मोमो वहाँ आई, छियो बोली, मैंने अपना वादा रखा, अब तुम्हारी बारी। हानामाची के दूसरे छोर पे तात्सुआ कोठी पे रहती है तुम्हारी बहन, हात्सु मोमो बोली। एक बारिश की शाम हात्सु मोमो छियो को अपने साथ ले गई और छियो को भागने का मौका मिल गया। गिरते पड़ते वो तात्सुआ पहुँची, जहाँ खिड़की से उसे सात्सु किसी मर्द के साथ दिखी। एक दूसरे के गले लगकर दोनों खूब रोए। छियो ने एक पल भी देरी ना कर अभी साथ भाग जाने को कहा। सासु बोली, अभी नहीं, पहले मुझे पैसों का इंतज़ाम करना होगा, कल शाम सासु में ब्रिज के पास मिलना। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है,
ये हमारे पास आखिरी मौका है। अगर तुम नहीं आ पाई तो मैं अकेले चली जाऊंगी। चुपके से जियो घर घुस रही है, तभी उसे बाहर के कमरे से कुछ आवाजें आई। जाकर देखा तो हात्सुमोमो अपने आशिक कोची के साथ है, जिससे वो प्यार करती है। तभी ओकायासान और ताईसान भी बाहर निकल आए। उसने जल्दी कोची को तो भगा दिया, लेकिन खुद को फंस चुकी देख हात्सुमोमो ने पूरा इल्ज़ाम जियो पर डाल दिया। ये पैसे लेकर अपनी बहन के साथ भागने वाली थी, पर मैंने इसे पकड़ लिया। जियो को फिर मार पड़ने लगी, मगर इस बार उसने अपने ऊपर अत्याचार का विरोध किया और बता दिया कि हात्सुमोमो किसी कोची नाम के आदमी के साथ थी। ये सुनते ही ओकायासान ने हात्सुमोमो को थप्पड़ मारा और कहा, एक गीशा होकर प्यार करने चली हो, घर बसाने के सपने देख रही हो, बेवकूफ़, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है। घर के सभी दरवाज़ों पे कीलें ठोक दी गई, ना कोई अंदर आ सके ना बाहर जा सके। शायद यही वजह है हात्सुमोमो की सबसे नाराज़गी की। वो एक खुली कैदी है इस समाज की, जिसे पाना तो सभी चाहते हैं मगर अपनाना कोई नहीं। वो बेबस खड़ी है और ज़मीन पे सिमट कर जियो बैठी है। अगले दिन जियो की नज़र बस दरवाजे पर है, क्या करे, कैसे निकले। शाम होने को आई, दिन ढलने के बाद वो कोठी के छत पे चढ़ी और कोई रास्ता नहीं, उसे एक छत से दूसरे छत होकर ही जाना होगा। पर उसका पैर फिसल गया और वो नीचे आ गिरी। जब होश आया, ओकायासान सामने बैठी है और डॉक्टर उसकी पट्टी कर रहा है। फिर ओकायासान ने एक चिट्ठी पढ़कर सुनाई। लिखा है, उनके जाने के बाद माँ चल बसी और उनके दुख में कुछ दिन बाद पिता भी गुजर गए। सात्सु भी यहाँ से जा चुकी है, अब यही लोग तुम्हारे परिवार है। यहाँ आने के बाद से जियो ने अपनी बहुत गलत छवि बनाई है ओकायासान के सामने, और उन्हें लगता है वो एक काबिल गीशा नहीं बन सकती। उसे खरीदने में जितने मोहरे खर्च हुए हैं, उन्हें वसूलने का एक ही तरीका है, पूरी उम्र जियो यहाँ के नौकरानी बनकर रहे। और तब से जियो घर के सारे कामकाज करने लगी। कुछ साल गुजरे, एक दोपहर बाहर पुल के पास जियो उदास खड़ी है। एक गुजरते हुए नौजवान ने उसके उदासी की वजह पूछी। सुंदर कपड़ों में दो गीशा उसके साथ खड़ी है, जो उसे मिस्टर चेयरमैन कहकर बुला रही है। फिर उसने जियो को बर्फ के गोले खिलाए और अपने रुमाल में बांधकर कुछ पैसे उसके हथेली में रखे। जियो को उसकी ये बात छू गई। अब तक सारी उम्र हार चुकी जियो को अचानक उन गीशा की तरह बनना है, जो मिस्टर चेयरमैन के आसपास रहती है। उसने पैसे मंदिर में दान किए और प्रार्थना की कि एक दिन वो भी एक गीशा बन जाए और उस आदमी से वापस किसी दिन मिल सके। कुछ भी एकदम से हासिल नहीं होता, लेकिन वो आग, वो उम्मीद दिल में सुलगती रहनी चाहिए। वक्त उसकी तड़प को तलवार की तरह धार देती रही। ओकिया कोठी ने आने वाले समय के लिए एक और गीशा को तैयार कर लिया है, जवान यूकी। आज बड़े महफिल में उसकी पहली रात है, बहुत घबराई हुई है। जियो ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, इन कपड़ों में वो बेहद खूबसूरत लग रही है, मगर फिर भी रहेगी तो वो हात्सुमोमो की परछाई ही, उससे आगे निकलने वाली बात उसमें नहीं। इधर जियो भी अपने हालात बदलने में अब तक नाकाम है। अरे ये क्या, योकी तो अपना सितार जल्दबाजी में ले जाना ही भूल गई। जियो भागते हुए वहाँ पहुँची, जहाँ जिसकी कोई बात नहीं होती वही मुलाकात हो जाती है। इतने सालों बाद उसी आदमी से आज उसकी नज़रें टकरा गई। एक पल के लिए जियो के लिए सब ठहर गया। होश वापस आते ही वो भागी वहाँ से। अगले दिन ही शहर की सबसे मशहूर गीशा ममेहा ओकिया कोठी के सामने खड़ी है। जियो उसे अंदर ले गई। ओकायासान ये जानकर ताजुब है कि ममेहा जियो का सारा खर्च उठाने को तैयार है। वो उसे एक गीशा बनाना चाहती है, उसे कोई आपत्ति नहीं, इससे सारे कर्ज जियो समय पे चुका सकेगी।
लेकिन एक शर्त है, उसके बाद छियो आज़ाद होगी, उसकी कमाई पर ओकिया कोठी का कोई हक नहीं होगा। उकाया सान को सौदा पसंद आया। अगले दिन से छियो की ट्रेनिंग शुरू हो गई। ममेहा ने कहा, उकाया सान ने अभी तक हात्सुमोमो को अपना वारिस नहीं चुना क्योंकि वो उसके स्वभाव से वाकिफ है और युकी में वो बात नहीं, तो बची तुम। इसीलिए हात्सुमोमो ने तुम्हारे गीशा बनने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, क्योंकि तुम उसे एक कड़ी टक्कर दे सकती हो। तुम खूबसूरत हो, निडर भी हो। छियो बोली, लेकिन उकाया सान मुझे कभी अपना वारिस नहीं चुनेगी। ममेहा ने हंसकर कहा, यही तो हमें साबित करना है। वक्त कम है, छियो को कुछ ही महीनों में वो सब सीखना है जिसे सीखने में सालों लगते हैं। ममेहा ने बताया, जमींदार बारोन मेरा दानना है, यानी मालिक। एक दानना ही एक गीशा की सारी ज़रूरतें पूरी करता है। गीशा उसकी पत्नी तो नहीं बन सकती, पर उसकी ज़िंदगी में वही एक मर्द होता है। बहुतों की तरह बारोन भी एक नाखुश शादी में कैद है। कुछ पल मेरे साथ बिताकर उन्हें सुकून मिलता है। और याद रखना, गीशा और वैश्या में बहुत फ़र्क है। हम अपनी कला से लोगों का मन जीतते हैं, अपने जिस्म से नहीं। किसी भी महफिल की शोभा बढ़ाते हैं। दुनिया के लिए हम एक खूबसूरत चेहरा है। यहाँ छियो की तालीम खत्म हो रही है, वहीं हात्सुमोमो की आंखों से नींद गायब है। आखिरकार वो दिन आया जब ममेहा ने छियो को एक नाम दिया, सायुरी। अब वो पूरी तरह से एक गीशा कहलाने लायक बन गई है। मगर छियो कहो या सायुरी, उसके दिल में बस वही एक इंसान बसता है जिसे वो देखना चाहती है। तब तक उसे महफिल महफिल भटकना होगा। आज उसका पहला दिन है, मगर वहाँ भी हात्सुमोमो उसकी महफिल चुराने आ गई। और हात्सुमोमो के सामने तो सायुरी अभी कुछ भी नहीं, मगर फिर भी वो अपनी अकलमंदी और सूझबूझ से डटी रही। उसने बेहतरीन ढंग से उसकी बातों का जवाब भी दिया। गुस्से में घर आकर हात्सुमोमो ने सायुरी से कहा, मैं उड़ने से पहले ही तुम्हारे पर काट दूंगी। ममेहा उसकी सारी चालाकी समझती है, लेकिन हम भी उसे मात देकर रहेंगे। आज वो ईवा मोरा केन और उसके बिजनेस पार्टनर नोबू सान से मिलने जा रहे हैं। इनसे दोस्ती हो गई तो बड़ी बड़ी जगहों पे तुम्हें इनके साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन नोबू सान को गीशा कतई पसंद नहीं, उसे मना पाना थोड़ा मुश्किल है। पर ये क्या, ईवा मोरा केन तो वही चेयरमैन है जिसे सायुरी इतने दिनों से ढूंढ रही है। तभी सामने हात्सुमोमो नजर आई। ममेहा ने तुरंत छियो को नोबुसान के पास जाने का इशारा किया ताकि हात्सुमोमो को लगे तुम नोबुसान के लिए यहाँ आई हो। वो नोबुसान को पसंद नहीं करती, इसीलिए उसके आसपास भी नहीं भटकेगी। इधर पहली दफा नोबू किसी गीशा की तरफ आकर्षित हुआ। उसे सायुरी की तेज और समझदार बातें पसंद आई। इधर सायुरी चेयरमैन से कुछ बोल ही नहीं पाई और जाने का समय हो गया। दूसरा दावेदार है डॉक्टर। ममेहा ने जानबूझकर सायुरी के जांघ पे एक चोट बनाई और डॉक्टर के पास ले गई। बूढ़े डॉक्टर का दिल सायुरी के नरम मुलायम त्वचा को देखते ही फिसल गया। सायुरी को कुछ समझ नहीं आ रहा, ममेहा ये सब क्यों कर रही है। तभी ममेहा ने बताया, जल्द ही मियाजू का दिन आएगा, बाजार में जिस गीशा की सबसे ऊंची बोली लगेगी वो हर महफिल पे राज करेगी, और तभी तुम्हें एक दानना मिलेगा जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा। मैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर रही हूँ, ऐसे लोगों से तुम्हारी जान पहचान करवा कर जो ताकतवर और अमीर दोनों हैं। मगर हात्सुमोमो उन तक ना पहुँच पाए। उन लगी बोली से तुम एक गीशा बन जाओगी और मिली उस रकम से अपने सारे कर्ज चुकाकर आज़ाद हो जाओगी, अपने लिए जियोगी जो सायुरी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर सायुरी ने पूछा, चेयरमैन क्यों नहीं मेरा दावेदार बन सकता। ममेहा ने कहा, क्योंकि नोबुसान और चेयरमैन
बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ बिजनेस पार्टनर भी। नोबू-सान ने उनकी बहुत खराब वक्त में साथ दिया है, वो उसके खिलाफ कभी बोली नहीं लगाएगा। मियाज़ू का दिन आया। हादसा मोमो की सायुरी के खिलाफ इतने षड्यंत्र के बाद भी उसकी बोली अब तक के बाजार में सबसे ज्यादा लगी है। उधर उकाया-सान का कर्ज चुकता होते ही उसने योकी के बदले सायुरी को ओकिया कोठी का नया वारिस चुन लिया। साथ ही हादसा मोमो का बड़ा कमरा भी सायुरी को दे दिया गया। हादसा मोमो अकड़ में जरूर रहती है, लेकिन इतने साल तक इस कोठी को उसकी ही वजह से दाना पानी नसीब हुआ है। योकी के जरिए ही सही वो यहाँ राज करना चाहती थी, जो हुआ नहीं। उसका कोई दाना भी नहीं, क्योंकि उसने कोची जैसे आम इंसान से प्यार किया। सबसे ऊंची बोली डॉक्टर ने लगाई थी। पहली रात सायुरी ने उसके साथ गुजारी, जैसा कि दस्तूर है। एक दिन सायुरी ने हादसा मोमो को अपने कमरे में पाया, जिसके हाथ में चेयरमैन का दिया रुमाल है। वो बोली, तुम्हारी तकदीर भी मुझसे अलग तो नहीं। तुमने प्यार किया, मैंने भी किया। तुमने सपने देखे, मैंने भी देखे थे। तो फिर मैं तुम्हारी जगह क्यों नहीं? और उस दिन के बाद हादसा मोमो किसी को नहीं दिखी। अब सब कुछ जल्द ही बदलने वाला है। 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये शहर खतरे से खाली नहीं। ममेहा को नर्स बनाकर एक गांव और सायुरी को दूर पहाड़ों पे किमोनो के कारखाने में काम करने भेज दिया गया। सब अलग अलग हो गए, ना जाने कब मिलना होगा। साल दर साल बीतने लगे। खबर आती तो बस मरे लोगों की। अब तो सायुरी को लगने लगा कि वो किसी और जन्म में गीशा रही होगी। इस जन्म की यादें तो इतनी धुंधली हो गई है कि कोई देखा हुआ सपना लगता है। लेकिन हर इंतज़ार खत्म होता है। एक दिन नोबू-सान खुद सायुरी के पास आया। उनका कारखाना युद्ध में तबाह हो गया है। उन्हें एक अमेरिकी इन्वेस्टर की ज़रूरत है, जो उनके बिजनेस में पैसा लगा सके। हमें उन्हें असली जापान दिखाना होगा। यहाँ के तौर तरीके, उठना बैठना, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वो गलत हाथों में अपना पैसा नहीं लगा रहे। मुझे और चेयरमैन को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कर्नल डेरिक को तुम्हारी तस्वीर दिखाई है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। उसके बहुत जान पहचान है। हमारा साथ दो और हम दोबारा खड़े हो सकते हैं। सायुरी एक बार फिर से चेयरमैन को देख सकेगी, सिर्फ इसीलिए वापस चली आई। शहर पूरी तरह बदल चुका है। पहनावा, रहन सहन, संगीत, कुछ भी पहले जैसा नहीं। क्या यही जापान का भविष्य है? सायुरी किसी तरह ममेहा तक पहुंचती है, जो इस वक्त उसकी मदद कर सकती है। ममेहा अब एक छोटे से किराए का मकान चलाती है। उसने और योकी दोनों ने उसकी मदद करने का वादा किया। आज उन्हें कर्नल डेरिक से मिलना है, पर सायुरी तैयार हुई है चेयरमैन के लिए। कर्नल ने सायुरी के बारे में बहुत सुना है। वो उसके साथ समय बिताने को इच्छुक भी है, लेकिन इससे ज़्यादा वो उसे कुछ और नहीं देना चाहती। इस बार नोबू ने उसे अपनी भावनाएं बताई कि वो फिर से एक बड़ा आदमी बनकर उसे अपनाना चाहता है। सायुरी नहीं समझ पा रही कि वो उसे कैसे बताए कि वो चेयरमैन से प्यार करती है। उसने एक प्लान बनाया। आज रात 9 बजे उसने योकी को नोबू को उसके कमरे लेकर आने को कहा। उस वक्त वो खुद कर्नल के साथ होगी और ऐसी हालत में उसे देखकर वो उसके दिल से उतर जाएगी, क्योंकि वो नहीं हटेगा तो चेयरमैन सायुरी की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन बरसों पुराना बदला आज योकी ने उससे ले ही लिया, उकाया-सान का वारिस बनना। वो नोबू की जगह चेयरमैन को ले आई। उसे पता है कि सायुरी चेयरमैन को पसंद करती आई है। सायुरी को ऐसे देख वो चुपचाप वहाँ से चला गया। सायुरी टूट गई। उसने आखिरी मौका भी गवा दिया। उसका वो रुमाल उसने हवा में उड़ा दी। कुछ समय बाद उसे एक महफिल का बुलावा आया, यानी उसकी गीशा की ज़िंदगी वापस से शुरू हो गई है, जहाँ प्यार की कोई उम्मीद नहीं। जब वो वहाँ पहुँची, चेयरमैन को देखकर चौंक गई। चेयरमैन ने उसे पूरी बात बताई।
ममेहा को उसी ने उसके पास भेजा था ताकि वो उसके पास आ सके, मगर जब नोबू ने तुम्हें पसंद किया तो मैं पीछे हट गया क्योंकि उसने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की है। पर मुझे ये भी मालूम था कि वो तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन उस हादसे को जानने के बाद वो खुद पीछे हट गया और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन हम दोनों जानते हैं मैं गीशा जो कभी उसकी पत्नी नहीं बन पाऊँगी, मैं रात की रानी, मुझे दिन में ढलना ही होगा। आधी खुशी आधा घर, यही दुनिया की नज़रों से छुपी हुई हमारी ज़िंदगी है। दर्द के साथ ही सही, लेकिन क्या ये खुशी भी कम है कि इतने सालों की मेरी मन्नत पूरी हो गई। ये जीवनी किसी रानी की नहीं बल्कि एक गीशा की है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।